हाई हम दिनेश एंड इन दिस वीडियो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आर सीरीज ऑफ स्कॉटिश चौसेरियंस इससे पहले हम विलियम डनबर और किंग जेम्स वन को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बचे हुए स्कॉटिश चौसेरियंस को डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट पोइट इज रॉबर्ट हैंड्रिसन रोबर्ट हैंड्रिसन का बर्थ माना जाता है फोर्टीन सिक्सटी में एंड ही डाइड इन फिफ्टीन हंड्रेड नेट जेआरएफ एग्जाम परस्पेक्टिव से रॉबर्ट हेनरीसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेडा ये वर्क है जोफ्री चोसर के वर्क ट्रोयलस एंड क्रिसेडे का कंटिन्यूएशन चोसर ने अपने वर्क में क्रिसेडे के रीजंस बताए थे क्रिसेडे ने जो ट्रोयल्स को डिसीव किया चोसर ने क्रिसाइडे के कैरेक्टर को एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश की थी और चोसर के ट्रोयलस और क्रिसडे में एंड में ट्रोयलस की डेथ हो जाती है जबकि रॉबर्ट हेनरीसन ने टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेडा में ट्रोयलस एंड क्रिसेडा की स्टोरी को एक नया एंड दिया है रॉबर्ट हेनरीसन की स्टोरी में क्रिसेडा जो कि डिसीव करती है ट्रोयलस को इस वजह से उसे लेप्रेसी डिसीज़ हो जाती है जबकि ट्रोइल्स जिंदा रहता है इसके अलावा रॉबर्ट हेनरीसन के कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं पर ये माइनर वर्क्स हैं और आपके नेट एग्जाम में इनके आने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है तो आपको इनपे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है वर्क्स आर मोरल और द मोरल फेबल्स ऑफ एसअप इसके अलावा रोबिन एंड मैकेन एंड द टेल ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस बट आई सजेस्ट आप रॉबर्ट हेनरीसन का सिर्फ एक ही वर्क याद रखें ेंट ऑफ क्रिसेडा क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में रॉबर्ट हैंड्रीसन की इम्पोर्टेंस यही है कि ये स्कॉटिश स्कोटिशन है क्योंकि इन्होंने चौसर के स्टाइल ऑफ पोइट्री को इमिटेट किया था और रॉबर्ट हैंड्रीसन अलोंग विद विलियम डनबर वाज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉटिश चौसेरियन नेक्स्ट पोइट वी हैव इज गेविन डगलस गेविन डगलस का भी सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट वर्क है पैलेस ऑफ ऑनर ये वर्क इमिटेशन है चौसर के एक इम्पोर्टेंट वर्क हाउस ऑफ फेम की इसके अलावा गेविन डगलस का एक और वर्क है एनियाडोस दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ वर्चिल्स इनियड पर यह वर्क आपको याद रखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सर डेविड लिंडसे सर डेविड लिंडसे का बर्थ हुआ था 1490 में एंड ही डाइड इन 1555 और इनका एक ही सर्वाइविंग वर्क है ए स्टायर ऑफ द थ्री एस्टेट्स ये एक स्टायरिकल मोरलिटी प्ले है तो नेट एग्जाम परस्पेक्टिव से एक तो आपको इन सभी पॉइंट की डेट ऑफ बर्थ डेथ याद रखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये सब 1425 से 1550 के अराउंड तक रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनके ना, नाम याद रखने हैं कि कौन कौन स्कोटिश चोसेरियंस है किंग जेम्स विलियम डनबर रॉबर्ट हेनरीसन गेविन डगलस एंड सर डेविड लिंडसे से उसके बाद आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं जैसे कि विलियम डनबर का आपको लेमेंट फॉर द मेकर्स और उसके साथ साथ द गोल्डन टार्च एंड द द्रीसी लैंड रोइस याद रखना है आपको सिर्फ इन वर्क्स के नाम याद रखने हैं लेमेंट फॉर द मेकर्स आपको इसके लिए भी याद रखना है कि उसमें जॉन लेडगेट जोफ्री चोसर जॉन ग और रॉबर्ट हेनरीसन की डेथ को लेमेंट किया गया है रॉबर्ट हेनरीसन के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रॉबर्ट हेनरीसन का ऑफ वर्क चौसर के ट्रोलस एंड क्रिसेडे के कॉन्टिन्यूएशन है इसी तरह से गेविन डगलस को आपको सिर्फ पैलेस ऑफ ऑनर के लिए याद रखना है क्योंकि ये वर्क चौसर के हाउस ऑफ फेम को इमिटेट करता है सर डेविड लिंडसे के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखें दैट ही वॉज स्कॉटिश चोसेरियन इसके अलावा आपको इनके बारे में कुछ भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तक नेट एग्ज़ाम में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है और फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर आए इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है मैंने अपनी तरफ से स्कॉटिश चोसेरियंस सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं सो दैट्स इट फ्रॉम आर सीरीज ऑफ स्कॉटिश चोसेरियंस आई होप आपको सभी वीडियो सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो